हैं जावेद, मेट्रो वन न्यूज कराची। यूनियन कमेटी के चेयरमैन एहतरामुल हक ने वाटर बोर्ड के तावन से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में सीवरेज की 18 इंच खुदर की लाइन डालने के काम का आगाज कर दिया है। कहते हैं कि यूटिलिटी सीवरेज लाइंस पर मकानात की तामीर से इलाका मकीनों को दुश्वारियों का सामना है। स्थान जौहर के इलाके में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की इख्तियारात की लड़ाई ने इलाका मकीनों को सीवरेज में डुबो दिया, जबकि वाटर बोर्ड और इलाका चेयरमैन ने फैसल कंटोनमेंट बोर्ड से इजाजत हासिल करके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 और 13 में 18 इंच कुदर की लाइन डालने का काम शुरू कर दिया, जबकि सीवरेज की लाइनों पर बनाए जाने वाले मकानात और कमर्शियल स्कूलों की तामीर ने इलाके की सीवरेज और पानी की लाइनों पर कब्जा कर रखा है। इस हवाले से यूसी चेयरमैन एहतरामुल हक ने बताया कि गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज का गंदा पानी इलाके के लिए मुश्किलात में इजाफा बन रहा है, जबकि फैसल कंटोनमेंट बोर्ड आवाम के मसाइल हल करने के बजाय छोटी छोटी कानूनी हुदूद की लड़ाई करने खड़ा हो जाता है। सीवरेज लाइन जो है, ये जो जितने पीछे की तरफ स्कूल और मकान बेंगलोर देख रहे हैं ना, उन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन के नीचे दबा लिए। अब उसकी वजह से काम हम लोग कर नहीं पा रहे थे। अब हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको बाईपास करने की कोशिश की। बाईपास करने में जब ये रोड पे आ रहे हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड हमें रोड कटिंग की इजाज़त नहीं दे रहा था। बहरहाल कह सुन के बड़ी मुश्किल से इजाज़त लिए। अभी हमारा तकरीबन 165 फुट लंबाई है इस लाइन की जो हम लोग डाल रहे हैं। 18 इंच का इसका साइज़ है, डाया है, और तकरीबन 8 से 9 फुट गहरी है। अभी हमें बाईपास करके डालनी पड़ रही है, लेकिन हमें ये डर है क्योंकि अब जब ये लाइन हम रोड पे डाल लें, जब इस पर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो इसके सीवरेज के कैप वगैरह जो है वो टूट टूट के अंदर गिरते रहेंगे और हमें ये रोज़ की प्रॉब्लम रहेगी। लिहाजा मैं आपके तवज्जो से तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं ये उसकी हदूद के अंदर ही रहें, ताकि आवाम को ये परेशानी इन्हीं लोग को होती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहलकारों ने बताया कि सीवरेज की लाइनों पर मकानात तामीर से गटर लाइन साफ करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों को सिविक सेंस नहीं है और लोग जो हैं सर्विसेज के ऊपर जो है वो अपनी बाउंड्री वॉल लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी 1.5 महीने पहले हुआ था, जिस दिन प्रॉब्लम हुआ उसी दिन हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके यहाँ पर पाइप्स वगैरह डाल दिए थे, लेकिन हमारे लिए जो है वो कंटेनमेंट बोर्ड का बड़ा मसला चल रहा है, वो हमें काम करने में यहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से ये लेट हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से डाली जाने वाली 18 इंच खुदर की लाइन को सीधा डालने के बजाय मकान मालकान के एतराजात के बाद सड़क पर डाली जा रही है, जो ट्रैफिक की गुजरगाह में भी रुकावट का सबब बनेगी। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।